الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دین کے لیے قربانی دینا یہ مسلمانوں کی بہت بڑی تاریخ رہی اور اس کے لیے جان مال کے نذرانے اور اپنی جان کی شہادتیں پیش کرنا یہ ہر زمانے میں عام رواج رہا جس کی وجہ سے بفضلہ تعالی ہمارا شمار زندہ قوموں کے اندر ہوتا ہے جب تک قومیں سیکریفائز کرتی ہیں ان کی زندگیاں متصور ہیں اور جب کسی قوم میں قربانی کا جذبہ مر جاتا ہے تو وہ قوم بھی مردہ ہو جاتی ہے موجودہ دور میں اس ملک کی آزادی میں قربانیوں کا اہمیت اور علماء نے اس کا احساس یہاں کے لوگوں میں پیدا کیا ہے اور علماء نے بڑے پائے پر قربانی دی جس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے اس ملک کو آزادی سے نوازا قربانی کا جذبہ اسلام بیدار کرتا ہے اور جب یہ جذبہ بیدار ہو جاتا ہے تو آدمی شہادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے شہادت کی اسلام میں بڑی فضیلت اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا یہ شہادت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ شہیدوں کی پانچ قسمیں ہیں نمبر ایک پانچ قسم کے لوگ شہید کہلاتے ہیں ویسے شہید کی دو قسمیں بیان کی ایک شہید دنیاوی دوسرا شہید اخروی چار قسم کے لوگ شہید دنیاوی ہیں اور ایک شہید اخروی ہے
अगर कोई ताउन में मुब्तला होकर प्लेग में मुब्तला होकर मर जाए तो हदीस में फरमाया ये भी शहीद है। ताउन में बगल के अंदर एक गुल्ठी निकलती जिसकी वजह से बुखार हो जाता है और आजकल तो इसका इलाज है, पहले जमाने में नहीं था, लोग मर जाते थे। हदीस ने फरमाया ताउन और शहादतुन लिकुल मुस्लिम, अगर कोई ताउन के अंदर मुब्तला होकर दुनिया से चला गया तो उसको शहीद लिखा जाता है। अगर कि उसके साथ और मुर्दों जैसा मामला किया जाएगा। नंबर दो, मबतून यानी पेट की किसी बीमारी में मुब्तला होकर कोई दुनिया से चला गया तो इसको भी शहीद वाला सवाब मिलता है। पेट की किसी भी किस्म की बीमारी हो, बर्दाश्त किया, सबर किया, इलाज किया, फिर भी इंतकाल कर गया, या कोई औरत है इंतकाल कर गई तो इसको शहादत का सवाब अल्लाह देंगे। नंबर तीन, किसी के ऊपर मकान गिर गया या दीवार गिर गई और उसके बोझ के नीचे दबकर वो मर गया, इसको भी शहीद कहा है, इसको भी अजरे शहीद अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। शहीद को शहीद क्यों कहते हैं? इस बिना पर कहते हैं कि अल्लाह ने शहादतों पर जो अजर आखिरत में रखा है वो शहीद होते ही अपनी आंखों से देख लेता है, उसका गवाह बन जाता है, शहीद बन जाता है, इसलिए उसका नाम शहीद रखा। तो किसी पर मकान गिर गया, मकान के अंदर दबकर वो मर गया, या किसी के ऊपर बड़ी दीवार गिर गई और वो इंतकाल कर गया, उसको भी शहीद का अजर अल्लाह ताला देते हैं। अगर कोई गर्क होकर इंतकाल कर गया, नहाने गया था नदी में समंदर में, पैर फिसल गया, डूब गया, तो डूबने वाले को भी शहीद वाला सवाब मिलेगा। दुनिया में और मरनारों जैसा उसके साथ मामला किया जाएगा लेकिन आखिरत में शहीद वाला सवाब उसको दिया जाएगा। और पांचवा, वो जो मैदान कारजार में अल्लाह के कलमे को बुलंद करते हुए दुनिया से रुखसत हुआ, मैदान कारजार में काम आया, शहीद। अगर मैदान कारजार में बिल्कुल मुर्दा नहीं उठाया गया बल्कि उठा के लाया गया और खेमे में लाए और वहाँ चंद सांसें लेने के बाद वो आखिरत की तरफ रवाना हो गया तो ये भी शहीद है। शहीद की इतनी बड़ी फजीलत है कि हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ की, इस दुआ को हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने और इमाम मुस्लिम ने नकल किया है। اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، اللہ مجھے تیرے راستے کی موت عطا فرما۔ معلوم ہوا کہ شہادت کی تمنا کر سکتے ہیں،
बीमारी से तंग आकर और परेशान होकर मौत की तमन्ना करने से मना फरमाया। कोई बीमारी में मुब्तला है, कोई हालात में मुब्तला है, कोई तंगी रिस्क में मुब्तला होकर यूं कहे चलना मुझे मौत दे दे, तो मना फरमाया इससे कि ये मौत ना मांगे। बहुत बीमारी से मजबूर हो जाए तो भी आपका ने तरीका बताया कि क्या मांगने का तरीका है। अल्लाह से दुआ मांगे तो कैसी मांगे, फरमाया यूं मांगे, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयात खैरन ली, अल्लाह मेरे लिए अगर हयात बेहतर है तो वो मुझे अता फरमा, वतवफनी इज़ा कानल वफातु खैरन ली, और अल्लाह मेरे लिए अगर मौत बेहतर है तो वो मुकद्दर फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने हर चीज का तरीका, यहाँ तक के दुआ करने का तरीका, हर चीज का तरीका बताया, पहनने ओढ़ने का, यहाँ तक के जूते पहनने तक का तरीका बताया, कंघी करने तक का तरीका बताया है। तो ये शहीद का दर्जा बड़ा ऊंचा है। एक आयत तो सूरतुल बकरा में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह के रास्ते में जो लोग काम आए हैं वो आम मुर्गों की तरह मुर्गे नहीं हैं, उनको मुर्गा मत कहो। तो क्या है वो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, ये जिंदा हैं लेकिन तुमको इन्हें हमने जो हयात बरज़खी अजीब किस्म की अता फरमाई है उसका तुमको यानी जिंदा लोगों को शऊर नहीं है। अगर शहादत का ये मर्तबा और ये मकाम न होता तो फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलील उल कदर सहाबी शहादत की तमन्ना क्यों करते। और शहादत के लिए जरूरी है कि मैदान कारगार में जाना पड़े, शहर से बाहर निकलना पड़े, यलगार में शामिल होना पड़े, लश्कर में शामिल होना पड़े, तब जाकर के ये मौत नसीब हो। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने अजीब दुआ की जिसका दूसरा हिस्सा ये है, वजाल मौती की बलदी रसूली, और इलाहा आलमी मैं शहादत की मौत भी चाहता हूँ तो शहर रसूल में चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने ये इंतजाम भी फरमा लिया, ये दुआ भी कबूल फरमा ली। वो कहते मुगीरा इब्ने शौबा रजी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम था, अबुल लोलो फिरोज मजूसी था, वो चक्कियां बनाने का फन बहुत अच्छा जानता था, लेकिन अंदर से वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दुश्मन था। और जब ईरान और खुरासान के इलाके पता होने लगे तो इसके दिल में आग लग गई और ये बिल्कुल बेचैन हो गया इंतकामी कार्रवाई के लिए और बदला लेने के लिए। अब अल्लाह ने हजरत उमर को क्या समझ अता फरमाई थी ये देखिए, फरमाया हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास लाया गया इनको, उन्होंने तलकीन की कि भाई अच्छी तरह चक्कियां बनाकर अपने मालिक की मदद किया करो,
और एक काम करो मुझे भी एक चक्की बना दो। तो उसने कहा मैं आपके लिए तो ऐसी यादगार चक्की बनाऊंगा कि लोग याद करेंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बसीरत देखिए, फौरी तौर पर फरमाया कि ये मुझे कत्ल की धमकी दे रहा है। इस दिन फजर की नमाज में याद रहे कि ये शहादत भी मुहर्रमुल हराम में वाकई हुई है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की, लेकिन शियों ने हजरत हुसैन की शहादत को इतना बढ़ाया चढ़ाया कि हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाकया दब गया। ये शियत के कारनामे हैं और इसकी एक लंबी तारीख है। फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, अब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज पढ़ाते थे तो तिलावत में मुस्तगरक हो जाते थे, पूरी तरह मुतवज्जे होते थे। नमाज बड़ी जबरदस्त इबादत है और सहाबा किराम इसको अपनी शान के साथ अदा करते, इसलिए अल्लाह ताला उनके हर काम बनाते थे। आज हम रस्मी नमाज पढ़ते हैं, पूरी तरह तवज्जो नमाजों में हमारी नहीं होती, दिल हमारा नहीं लगता, खुशू हमारी नमाजों में नहीं होता। इस बिना पर कामयाबी के जो नक्शे बताए गए हैं नमाजियों के वास्ते वो सामने नहीं आते। उसके बावजूद अल्लाह का करम है कि रस्मी तो रस्मी पढ़ तो रहा है, मस्जिदों को आबाद रखो, कोई आंख नहीं उठा सकेगा आपकी मस्जिद की तरफ। मस्जिद वीरान होगी तो दूसरों को अंदर आने का मौका मिलेगा। अब तो वो व्हाट्सएप पर वो खबर आम हो रही है कि एक ऐसे इलाके के अंदर बिहार में मस्जिद है जहाँ कोई मुसलमान नहीं रहता, वहाँ गैर लोग रोजाना मस्जिद को साफ करके 5 वक्त अजान देते हैं। यदि इतिहास का एक नमूना पेश किया है और मस्जिद से बड़ी अकीदत रखते हैं, गरीब लोग हैं लेकिन 5 वक्त की अजान देते हैं। उलमा ने लिखा कि जिस जगह मस्जिद ऐसी हो कि आबाद न हो सकती हो, गैर आबाद इलाके में हो मस्जिद या गैरों के इलाके में हो, वहाँ भी मस्जिद मस्जिद ही रहेगी और उस मस्जिद को आबाद रखने की कोशिश की जाएगी। अगर बड़ा शहर है तो कम से कम जुमा का एहतमाम किया जाए और रोजाना आबाद रखने के लिए एक इमाम और मुअज्जिन मुस्तकिल रखे जाएं, जो 5 वक्त अजान कहें और 5 वक्त नमाज पढ़ाकर इस मस्जिद को आबाद रखें। मस्जिद की आबादी में हमारी आबादी है, मस्जिद से अनवार फैलते हैं, अतराफ और जवानिब में रहमतों की बारिशें अल्लाह ताला बरसाते हैं। बड़ी मुबारक जगह है मस्जिद, सरकार खुदा पहुँचे तो मस्जिद की बुनियाद डाली, मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो मस्जिद की बुनियाद डाली और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला वो फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। तवील किरात सुबह में फजर की नमाज में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला वो सरकार की तरह पढ़ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में 60 से लेकर 100 आयतों तक तिलावत फरमाते थे। मौजूदा दौर में कोई इमाम एक तो पढ़ ही नहीं सकता इतना, और अगर पढ़ भी लेगा तो लोग भाग जाएंगे, क्योंकि हम लोग नमाजों के इतने शायक नहीं है। वरना फजर की नमाज के बारे में फरमाया कुरान अल फजर, सुबह में नमाज 2 रकात रखी है, 4 नहीं रखी, और 4 रकात रखते तो लंबी रहती, 4 को 2 में कन्वर्ट कर दिया और 2 के अंदर 3 को तवील कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा कुरान करीम सुबह की शांति के वक्त में मुसलमान सुने और इनके अंदर तिलावत का जज्बा पैदा हो, कुरान करीम के साथ शगफ और प्यार और मोहब्बत और जज्बे तिलावत पैदा हो।
कभी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला वो सूरह यूसुफ पढ़ते हैं और इतना रोते हैं कि आखिरी सब में हिस्सियों की आवाज लोग सुनते हैं। जैसे ही नमाज शुरू की, अबुल लोलो फिरोज मजूसी ने जहरीले खंजर के यज्ञ बाद जीगरे 6 बार की, खून खून हो गया मुसल्ले पर, और हजरत उमर समझ गए कि मैं नमाज पूरी नहीं कर सकूंगा। पीछे से अब्दुल रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुसल्ले पर खींचा, इशारे से नमाज पढ़ाने को फरमाया और उन्होंने मुख्तसर हालात को देखते हुए नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद उठाकर ले जाया गया, मशहूर तबीब को, माहिर तबीब को दिखाया गया। वो जो दवाई पिलाता था वो अंकड़ियों से बाहर निकल जाती थी। हजरत उमर ने कहा, छोड़ दो इलाज, अब दवाओं का काम नहीं है, दुआ करो, मेरा अल्लाह के पास जाने का वक्त आ गया, मेरी तमन्ना अल्लाह ने पूरी कर ली। ये भी तो शहादत का वाकया है, इसको क्यों याद करते नहीं? क्या दुश्मनी है हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु के साथ? अगर सबील लगाते हैं, कुछ लोग पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, तो ये अंदर से अकीदा रखते हैं कि हजरत हुसैन प्यासे मर गए, शहीद हो गए, हम पिएंगे तो उनकी प्यास अल्लाह ताला वहाँ दूर फरमाएंगे, अरे आखिरत का शरबत उनको मिल रहा है, ये रस्मी सकरीन वाले शरबत से कुछ नहीं होता। इससे तो खांसियां होती, ये शरबत वहां नहीं पहुंचता। और अगर प्यासे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, तो हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु भी प्यासे शहीद हुए। अबू जहम इब्ने हुज़ैफा फरमाते हैं कि जंग के मौके पर मैंने मेरे पड़ोस में एक जख्मी को देखा जो कराह रहा था सहाबी, मैं पानी लेकर पहुंचा तो उसके पड़ोस वाले आह आह पानी पानी करने लगे, तो पानी लेकर उनके पास गया, क्योंकि ये सहाबी ने कहा मेरे साथी को पहले पिलाओ। वहाँ गए तो तीसरे सहाबी कराह रहे थे पानी की किल्लत की और प्यास की वजह से, उन्होंने इशारा किया उनको पिला। वहाँ गए तो उनका इंतकाल हो गया, वो शहीद होकर पहुँच गए आखिरत में। फिर लौट कर दूसरे सहाबी के पास, वो भी इंतकाल कर चुके थे। फिर पहले के पास आए तो वो भी जान दे चुके थे। तो प्यासे तो हमारे दूसरे सहाबे किराम भी गए हैं दुनिया से। तो दोस्तों, शहादत ये मर्द मोमिन की तमन्ना है, ये मातम की चीज नहीं है, ये गम की चीज नहीं है, ये खुशी की चीज है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا, अल्लाह के रास्ते में काम आने वालों को मुर्दा न गुमान करो। क्यों? بل أحياء عند ربهم يرزقون, ये जिंदा हैं और इन्हें वहाँ बेहतरीन रिस्क दिया जाता है। हदीस शरीफ में फरमाया कि आर्श के नीचे हैंगर लगाए हैं अल्लाह ने, हवाई जहाज हैंगरों में ठहरते हैं। तो जब शहीद शहीद होता है और आखिरत में पहुंचता है तो अल्लाह ताला
वो हैंगरों के अंदर सब्ज परिंदे हैं ग्रीन कलर के, वो ग्रीन कलर के परिंदों के पेट के अंदर उनकी रूह को रख देते हैं और वो जिस जन्नत में जाते हैं वहाँ जाकर खाते हैं पीते हैं और इंतहाई लुत्फ हासिल करते हैं और खुश होते हैं। فرحين بما آتاهم الله من فضله اللہ فرماتے ہیں جو کچھ شہادت کے بعد اللہ نے جنت میں نعمتیں عطا فرمائی ان پر بڑے خوش ہوتے ہیں, فرحت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ فرحت کا اظہار کرتے ہیں اور ہم ماتم کا اظہار کرتے ہیں. अब तो ये है कि मातम करने वालों पर मातम करने को जी जाता है, रोए वो जो मुनकिर हो शहादते शोहदा के, रोए वो जो मुनकिर हो हयाते शोहदा के, हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते. حافظ زامی شہید رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ شاملی کے میدان میں ہندوستان کی آزادی کے لیے 1857 میں شہید ہوئے. ایک آدمی ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے گیا, اندر سے آواز آئی کیا کر رہا ہے, کہ فاتحہ پڑھنے آیا ہوں آپ انتقال کر دیں. اندر سے جواب دیا آگے بڑھ. اس نے پوچھا کیوں, فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے شہید زندہ ہوتا ہے, میں تو زندہ ہوں مردوں پر فرق پاتے, مجھے اللہ نے زندہ رکھا ہے. ایک عجیب برزخی زندگی جس کا انسان کو شعور نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, لیکن اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بیچارے کو چھوٹے پرندے کے پیٹ کے اندر رکھ کر بالکل کنجسٹیڈ کر دیا, اس کو رکھ دیا پیٹ کے اندر تو یہ تو مقید ہو گیا. میرے والد صاحب اس کا جواب دیتے تھے کہ بھائی مت سوچو کہ پرندہ چھوٹا ہوتا ہے, ہوائی جہاز بھی پرندہ ہے لیکن کتنا بڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو گرین کلر کا بڑا آٹومیٹک ایروپلین اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, خالی سوچتے ہیں کہ مجھے فلان نمبر کی جنت میں جانا ہے تو فلائٹ شروع ہو جاتا ہے اور وہاں اتار دیتا ہے. تو یہ فلائٹ میں رکھا گیا ان کے لیے اسپیشل فلائٹ, جیسے وزیر اعظم کیسا فلائٹ میں ادھر سے ادھر جب سے آئے ہیں گھوم رہے ہیں. اس طرح سے جو ہے فلائٹ کے اندر جو ہے یہ شہداء کو اللہ تعالیٰ جگہ دیتے ہیں مرتبہ دیتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم نے بس یہی کیا ہے کہ پوری دنیا میں گھومتے رہے, کوئی انویسٹر نہیں آتا یہاں, دیوالیہ ہو گیا ملک. اس لیے تعزیہ داری اور رونا دھونا پیٹنا چلانا مسلمانوں کا شعار نہیں ہے. واضح حدیث ہے مولا علی صاحب, من ضرب القدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا, جس نے ماتم کرتے ہوئے اپنے رخساروں کو پیٹا اور اپنے گریبان کو چاک کیا, کپڑے پھاڑے, چلایا, رویا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منا, وہ ہماری جماعت مسلمین سے اور ہمارے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کلیئر بات کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر ان کی ہمشیرہ بہت زور سے رو رہی تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں سے نکلوایا اور ان سے دوسرے گھر میں ٹرانسفر کروا دیا کہ گھر میں جو ہے ماتم کا ماحول بنا رہی ہے, ان کو ہٹاؤ یہاں. اس لیے عبداللہ ابن مبارک
रहमतुल्लाह ताला ने मैदान कारजार से फुज़ैल इब्ने अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह को जो खत लिखा था उसके अंदर एक शेर लिखा था। क्या लिखा था? हाज़ा किताबुल्लाह यंतिकु बैनना الشهيد ليس بميت لا يكذب ہمارے قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ شہید مردہ نہیں ہوتا کیوں بھئی وہ بولتا نہیں ہے اس کو دفناتے ہیں کفن پہناتے ہیں مردہ نہیں ہوتا ہوتا ہے بظاہر ہوتا ہے لیکن بباطن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص قسم کی زندگی عطا فرمائی ہے تو وہ کیسی زندگی ہے تم کو اپنی زندگی کا شعور نہیں ہے تم حیات شہداء کا کیا شعور ہوگا بہرحال اللہ تعالیٰ اس موقع کو سمجھنے کی ہمیں سعی نصیب فرمائے اور سعادت عطا فرمائے اور شہادت کی حیثیت اور مرتبے اور مقام کو برتنا اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو تعزیہ کاری اور جو ڈھول تاشوں کا نظام ہے نہ اس کا دیکھنا جائز نہ اس میں شامل ہونا جائز نہ اس کے اندر جلوس میں شامل ہونا جائز نہ اس کی تعریف کرنا جائز۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانیوں کے اس زمانے میں ہماری مسجد داد الہی کو بھی کچھ تعاون کی ضرورت ہے۔ مسجد کے باہر کے حصے میں کچھ کمرے ہیں جن کو لیا جا رہا ہے خریدا جا رہا ہے اس لیے کہ جن لوگوں کے پاس ہیں وہ قابض ہو گئے ہیں اور وہ یوں دیتے نہیں موجودہ دور ایسا ہے اس میں کچھ غیر بھی ہیں تو ان کو پیسے دے کر یہ علاقہ خالی کروایا جائے مسجد کو انشاءاللہ وسیع کرنے کا بھی خیال ہے اور مسجد کی آمدنی جو ہے اس کا بھی خیال ہے کچھ کمرے خالی کروائے گئے ہیں اور اس کے لیے روپیہ بھرپائی کیا گیا ہے اب کچھ کمرے مزید جو ہیں خالی کروانے ہیں اس کے لیے مدد کی اور امداد کی ذمہ داروں کی طرف سے اپیل کی گئی ہے لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ مبارک مہینے میں اس سارے خیر کے اندر حصہ لیں اور آپ ڈائریکٹلی ان سے جو نہیں خالی کرنا چاہتے آپ اپنی رقوم دے کر اگر خالی کروانے کی سعی کریں یا ذمہ داروں کی اس میں مدد کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پانچ منٹ زیادہ ہو گئی ڈیڑھ بجے کا رفیق بھائی کے ساتھ وعدہ تھا لیکن یہ دونوں گھڑیاں میرے خیال سے ٹھیک چل رہی ہیں مسجد کی اکثر گھڑیاں ٹھیک نہیں چلتی لیکن یہ ٹھیک چل رہی ہیں تو میرے خیال سے پانچ منٹ میں نے آپ کی زیادہ لے لی میں معافی چاہتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں واقعہ الحمد للہ رب العالمین۔